Good morning, students. In our previous social science chapters, we learn about different physical features of India. Today, once again, we will learn about one more important physical feature of India, that is the Great Indian Desert. In this chapter, we will learn about the location of desert, different regions covered by it, the climate and vegetation of desert areas, how people live in desert, their occupation, important places, and one important animal of that area, that is camel. So सबसे पहले जान लेते हैं कि desert क्या होता है. A desert is a large area of land which is covered with sand. एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो रेत ही रेत जिसपे जो है आपको दिखाई देती है, रेत से ही कवर होता है. ये रेत ये क्यों डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि या तो यहाँ बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल बारिश नहीं होती. सो इस तरह से जो एरियाज है वो डेजर्ट एरिया इस तरह से बनता है. जो इंडियन डेजर्ट है वो हमारे वेस्ट की साइड है. हम कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड पे जो है ये डेजर्ट जो है इंडियन डेजर्ट वो पड़ता है. वैसे तो जो डेजर्ट है वो मेनली राजस्थान में है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज पंजाब के, हरियाणा के और गुजरात के भी जो है वो डेजर्ट के अंडर, वो डेजर्ट एरियाज में आते हैं. और कुछ जो पार्ट है डेजर्ट का वो हमारा वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो वहाँ तक फैला हुआ है. जो डेजर्ट है वो उसके जो थ्री साइड्स हैं उसमें एक साइड सतलुज रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, इंडस रिवर है वेस्ट की साइड, और एक साइड अरावली हिल्स हैं, और साउथ में रन ऑफ कच्छ है. रन ऑफ कच्छ, रण जो है वो गुजरात में जो डेजर्ट एरियाज को रण बोलते हैं, एंड कच्छ जो है वहाँ का एक एरिया है. सो रण ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में है. सो ये चारों साइड से जो है इन चीज़ों के अंडर जो है ये कवर करते हैं डेजर्ट को. नाउ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. अगर आप डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट देखोगे तो गर्मियों में जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं. कई बार जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच जाता है गर्मियों में, लेकिन यहाँ पे जो रात होती है वो प्लेजेंट होती है. मतलब वो बहुत ज़्यादा, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है गर्मी का उस टाइम असर नहीं होता. वहीं अगर आप विंटर्स में देखोगे तो वेदर जो दिन है वो प्लेजेंट होते हैं, लेकिन रात जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. और यहाँ पर जो विंटर में टेम्परेचर है वो माइनस डिग्री तक जो है कई बार चला जाता है. अगर वेजिटेशन की बात करें तो क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, सो यहाँ पर बहुत ही थोड़े जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं, जैसे कैक्टस, बबूल, कीकर, डेट पाम. सो वो प्लांट्स जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर डेजर्ट में ग्रो होते हैं. लाइफ इन डेजर्ट रीज़न. जो लोग हैं डेजर्ट एरिया के, उनकी जो मेनली जो क्लोथ्स हैं वो क्या करते हैं, जो लेडीज़ हैं वो लहंगा चोली, घाघरा चोली जिसको मेनली बोलते हैं, वो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है. और ओढ़नी, ओढ़नी क्या होता है, दुपट्टा, ठीक है, जिसको वो लेती हैं. और जो जो मेल हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कुर्ता डालते हैं, और उनके जो है वो सर पर जो है वो टर्बन डाली जाती है, पगड़ी जिसको बोलते हैं वो डाली जाती है. यहाँ के मेन जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं राजस्थानी, मारवाड़ी और हिंदी. ये लैंग्वेजेस जो हैं ये यहाँ पर पॉपुलर हैं. यहाँ पर राजस्थान में बहुत तरह के जो है वो फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें से मेनली है तीज, गंगौर, और भी बहुत सारे जो डेजर्ट फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं. गंगौर जो है वो यहाँ का सबसे जो मेन फेस्टिवल है. डांस यहाँ पे मेनली जो डांस है, घूमर, छारी और कच्छी घोड़ी, ये जो है ये फोक डांस है डेजर्ट एरिया के.
जो डेजर्ट एरियाज़ हैं यहाँ के जो घर हैं वो बहुत स्पेशल तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं। जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी बनाई जाती हैं, बहुत थिक होती हैं, और रूफ जो है बिल्कुल फ्लैट होते हैं। जो थिक वॉल्स हैं वो गर्मी को जो है वो रोकते हैं, और इससे क्या होता है कि जो घर है वो अंदर से ठंडा होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए जो थिक वॉल्स हैं वो गर्मी को अंदर आने से, घर के अंदर आने से वो थोड़ा रोकती हैं। ऑक्यूपेशंस, यहाँ पे मेनली जो काम है वो है कैटल रियरिंग का। लोग जो है कैमल्स, गॉड्स और बहुत जो एनिमल्स हैं वो पाले जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर जो है वो ग्रो की जाती हैं। यहाँ पर एक सेक्शन वन अ सेक्शन ऑफ पीपल जो कि बड़ी नोमेडिक लाइफ जीता है। नोमेडिक लाइफ क्या होती है? नोमेडिक लाइफ होती है कि ये लोग एक जगह पर नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो पूरे का पूरा कारवां लेकर जो है पूरे के पूरे अपने जो है सामान, अपना जो जितना भी उनका जो उनको रहने के लिए चाहिए या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको साथ लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते हैं। इनको नोमेड्स के साथ साथ बंजाराज भी कहते हैं। अब आजकल ये जो बंजाराज हैं ये ट्रेडिंग में भी आ गए हैं। ये क्या करते हैं, ये चीज़ें जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये सेल करते हैं, बेचते भी हैं। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, राजस्थान जो है ऑल दो इट इज़ अ डेजर्ट एरिया बट इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेंगे। यहाँ की जो मेन लाइफ है अगर आप देखोगे, जयपुर जो है वो पिंक सिटी है, उसके अलावा हवा महल वहाँ का बहुत मशहूर है, बहुत सारे किले हैं जहाँ पर जो देखने लायक हैं। सो लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं यहाँ के जो अट्रैक्शंस हैं उनको देखने के लिए। नाउ कैमल, कैमल जो है वो डेजर्ट लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अगर आप कहो यहाँ का जो मेन जो इनका काम का चलता है वो कैमल से ही चलता है, क्योंकि कैमल जो है इसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी जो और अगर आप अदर मींस ऑफ ट्रैवलिंग देखोगे तो वो डेजर्ट एरिया में इतने कामयाब नहीं होते, जबकि जो कैमल है वो उसको यूज़ किया जाता है भारी से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए। कैमल में क्या खासियत है ऐसी जो कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया पे जो है सर्वाइव करता है? एक तो जो कैमल हैं उसके जो फीट होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और वो पैडेड फीट होते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो सैंड में अपने पैर रखते हैं तो वो उसके पैर उसमें धंसते नहीं हैं, वो उसको अच्छी तरह से जो है वो सैंड को पकड़ लेता है। उसके बाद इसके पीठ पे ना एक कूबड़ होता है, हम्प जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें वो अपना थोड़ा बहुत जो फूड है और वाटर है वो वहाँ पर सेव करके रखता है कैमल, जिससे कि क्या होता है कि डेजर्ट एरिया में अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक भी उनको खाने पीने को ना मिले तो वो उसी के जो है जो हम्प में उनका जो सेव किया हुआ फूड होता है या वाटर होता है उससे अपना जो काम है वो चलाते रहते हैं। सो इस तरह से जो कैमल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वहाँ की लाइफ के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। इसके अलावा जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वहाँ पर एक ही रिवर है जो है रिवर लूनी, और ये सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर क्या होती है? सीजनल रिवर वो रिवर होती है जो सिर्फ जो आप कहो जो बारिश के दिनों में ही उसमें पानी रहता है, ठीक है, सो उसको सीजनल रिवर कहते हैं। सो ये सारा जो है मैंने चैप्टर आपको जो है आज क्लियर कर दिया। सो ओके, थैंक यू।